हाय, मैं हूँ अर्शाली मल्होत्रा, आप सबकी मुन्नी। कीप वॉचिंग बोल इंडिया न्यूज़, अब सच दिखेगा इंडिया। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। बहुत धन्यवाद। और प्रिंट वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो 2013 8 अगस्त में इन्होंने नागपुर में स्टार्ट किया। और जैसा मेरे हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें बोलता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 8x8 से इन्होंने स्टार्टअप किया था अपना स्टार्ट, और आज आपके सामने है क्योंकि मेहनत है तो सारी चीज़ें हैं। और आज जो डिजिटल मार्केटिंग जो चल रहा है, डिजिटल के साथ साथ सारी चीज़ें जो प्रिंट वर्ल्ड की अगर हम बात करें, प्रिंट वर्ल्ड में प्रिंट की दुनिया हो गई, जो सारा पूरा एक ही छत के नीचे सारे प्रिंट को लेकर। प्रिंट वर्ल्ड के बारे में बताइए, कब शुरू किया, क्या, और प्रिंट वर्ल्ड में कौन कौन से काम होते हैं, बताइए। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी जो मीडिया कर्मी हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा इनविटेशन कबूल किया और आप लोग यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में आए। प्रिंट वर्ल्ड 2013 में हमारा स्टार्ट हुआ था, 15 अगस्त को। तकरीबन 8 साल की हमारी जर्नी रही है, हम लोगों ने 8x8 से शुरुआत की थी। प्रिंट वर्ल्ड जैसे आप समझ ही सकते हैं, प्रिंट वर्ल्ड प्रिंटिंग की दुनिया। आज हमारे यहाँ पे प्रिंटिंग इंडस्ट्री की हर वो चीज़ प्रिंट कटिंग होती है जिसके लिए आपको तकरीबन 12 से 15 अलग अलग वेंडर्स के पास जाना पड़ता है। लाइक अगर आपको एक कलर प्रिंटआउट भी चाहिए तो प्रिंट वर्ल्ड में निकल जाएगी। बाकी हमारे यहाँ पे इन हाउस सेटअप में सॉल्वेंट प्रिंटिंग जैसे कि फ्लैग्स, बैनर, विनाइल, इको सॉल्वेंट प्रिंटिंग, लेज़र कटिंग, मेटल मार्किंग, सब्लिमेशन प्रिंटिंग, लैमिनेशन, CNC राउटर कटिंग एंड इस तरीके की बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसके लिए आपको मार्केट में 12 से 15 वेंडर्स के पास जाने पड़ते हैं, वो सभी आपको प्रिंट वर्ल्ड में एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाएगी, वो भी विथ रिजनेबल प्राइजेस में। अभी अगर काम की बात करें तो इधर भी नहीं बल्कि बॉम्बे में भी आप माल सप्लाई करते हैं। जी सर, अगर होलसेल की बात करें तो उसका कैसा कैसा कर सकते हैं सर? बिफोर कोविड हम लोगों ने हमारी दो फ्रेंचाइजी भी ओपन करी थी, एक पुणे में और एक मुंबई में। बट कोविड के बाद में आपको पता है बहुत सारी दिक्कतें आई, उस वजह से हमारा मुंबई एंड पुणे वाली फ्रेंचाइजी तो बंद हो गई। बट आज की डेट में हम लोग ऑल ओवर इंडिया माल सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कोविड के बाद में बहुत सारी चीज़ें इजी हो गई है, तो लॉजिस्टिक में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि अगर आप मुंबई की बात करें तो हमारे यहाँ से 24 आवर के अंदर में मुंबई डिलीवरी अवेलेबल है। कोई भी अगर किसी का ऑर्डर अगर आज हम लोगों को 1 बजे के पहले आता है तो दूसरे दिन 2 बजे वहाँ पर पहुँच जाता है। जी सर, देखिए क्वालिटी होता है इसीलिए आज आप देख सकते हो 8x8 से हमारा शुरू हुआ था और आज हम लोग तकरीबन 4,500 स्क्वायर फीट में यहाँ पे अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेन रीज़न हम लोगों को हमारी ब्रांडिंग नहीं करनी थी, बल्कि हमारा मेन था कि हम लोगों ने, जैसा कि आप हमारे बैकड्रॉप पे देख सकते हैं, प्रिंट प्लीज टेक्नोलॉजी 7 साल पुरानी एक कंपनी थी जो कि बर्डी में लोकेटेड थी। प्रिंट वर्ल्ड ने उसको ऑफिशियली पूरा एक्वायर कर लिया है, उनके पूरे सेटअप को। एंड प्रिंट वर्ल्ड की जैसे कि हाईएस्ट डिमांड थी कि बर्डी के उधर साइड के काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमारे पास नहीं आ सकते थे, उसके लिए अब प्रिंट वर्ल्ड बर्डी में भी काम करेगा विथ, जैसा कि आपने बताया, क्वालिटी के साथ। बर्डी के स्टार्टअप की बात करें तो वो कब से रन होगा? सर हमारे पास में ऑफिशियली तो हमारे पास हैंडओवर आ चुका है, मे बी हमारा 23rd से वहाँ पर ये काम शुरू हो जाएगा। 23rd of November से प्रिंट वर्ल्ड का स्टाफ वहाँ पर आपको मिलेगा एंड 23rd of November से ही वहाँ पर सारी सर्विसेज मिलना शुरू हो जाएगी जैसी यहाँ पर मिल रही है। सर वो तो हमारा बर्डी, जैसा नागपुर के हिसाब से आपको पता है, बर्डी में पकौड़ा गली के पास में वो लोकेटेड है एंड वहाँ सिर्फ एक 250 स्क्वायर फीट की जगह है। बट वहाँ पर भी हमारी 5 मशीन्स है, जैसे कि वहाँ पे जेरोक्स का बड़ा मशीन है, प्रोडक्शन मशीन, एक एप्सन का 6 कलर मशीन है, साथ ही डुप्लो करके एक मशीन आता है जो कि नागपुर का पहला मशीन था, वो भी आज हमारे पास है। ये सारे तो पॉजिटिव मैसेज हो गए, दिक्कत की अगर बात करें तो हर सेटअप के पीछे कोई ना कोई दिक्कत आती है। जी कितने चने चबाना पड़ा यहाँ तक पहुँचने में? सर चने चबाने की तो अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मुझे जानते भी हैं और काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत मरतबा हम लोग गिरे हैं, बहुत मरतबा क्रैश हुआ है, लेकिन बोलते हैं ना बिलीव, अगर आपका बिलीव अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको कहीं पे भी कोई रोक नहीं सकता और रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों के सभी लोगों के सामने में है। भाभी आज आप भी साथ में हैं, आबिद भाई के साथ में, भाई तो मेरे हैं वो
तो ये बात सही है कि हम सफ़र का अगर साथ हो तो उसको कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, और वो सफ़र आप हैं जो कंधे से कंधे मिलाकर हर एक स्टेट में आप खड़े रहे साथ में। तो क्या आपका एक्सपीरियंस क्या कहना चाहेंगे, जैसे आठ बे आई आठ से लेके ये आज से सेटअप खड़ा है? मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको रोकूंगा कि ऑब्वियसली शी इज़ माई वाइफ, बट करंटली ये हमारा जो भी अकाउंट वगैरह जो भी है वो मैडम ही देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट कुछ टाइम से, तो यहाँ का जो भी अकाउंट है वो सब वही मैनेज करते हैं। एक्चुअली जब स्टार्ट हुआ, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो सपोर्ट तो हमेशा रहा है, बट आई एम हेजिटेड, मतलब कि कैसा, वी हैव बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये ही ऑल्सो ब्लेम मी कि हमेशा तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या, बट भरोसा पूरा था, बट एक मिडिल क्लास फैमिली की जो थिंकिंग होती है भरोसा तो 101% था, बट जब हम नागपुर में इस्टेब्लिश हुए थे वी बोथ आर जॉब पर्सन, हम दोनों जॉब पर्सन थे, तो उसके बाद इंस्टेंटली आफ्टर विथ इन अ 2 to 3 months हमने डिसाइड किया कि हम बिज़नेस डालेंगे, और बिज़नेस डालेंगे तो हमारा सेटअप सिर्फ एक चेयर और एक कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ था। कंप्यूटर भी हमारा सेकंड हैंड था, सेकंड हैंड था, हम लोगों की शुरुआत हुई थी तब हमारे पास सिर्फ 100 रुपये बचा था, 100 रुपये से हमारा थोड़ा सा था दिल में, बट कहीं ना कहीं बोलते ना कि भरोसा जीता देता है इंसान को, तो बस हम आपके सामने तो उस वक्त 101% लेके चल रहे थे, 10 कब आएंगे क्रॉस करने वाले हैं? नहीं अभी ऑब्वियस है कि आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, ऑब्वियस है आ चुका है अभी, तो बस यही जी। सर प्रिंट वर्ल्ड आज इस मकाम पर पहुंचा ही है टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन की वजह से। आज हमारे पास में, जैसा कि मैं भी आपको बता दूं कि हमारे पास जो मशीनरीज है, हमारे पास सॉल्वेंट, इको सॉल्वेंट, लेज़र कटिंग, सब्लिमेशन, मेटल मार्किंग, इसके अलावा फ्लैट बेड एक नया मशीन हमारे पास में आया है जिसका भी इंस्टॉलेशन शुरू ही है, उसमें हमारे पास में नागपुर का पहला मशीन है जिसमें CMY के प्रिंटिंग के जो 4 कलर होते हैं उसके साथ लाइट साइन लाइन मैजेंटा वाइट इंक्लूडिंग वार्निश कलर है, जो अभी तक के नागपुर में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। प्रिंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो हमारे जैसे और भी सेटअप्स अवेलेबल है, बट अंडर वन रूफ आपको इतनी सारी चीज़ें विथ क्वालिटी वर्क विथ रिजनेबल प्राइजिंग्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। आखिरी क्या मैसेज रहेगा आपका? बस सर सब लोगों से हमारा आखिरी मैसेज यही है कि जिस तरह आप लोगों ने आपका सपोर्ट प्यार हम लोगों को अभी तक के अपना बनाए रखा, उसी तरीके से हमारे बर्थडे वाले जो सेटअप है वहाँ पर भी अपना प्यार मोहब्बत बरकरार रखिए और भरोसा बरकरार रखिए, और कभी भी अगर आप लोगों को लगता है कि प्रिंट वर्ल्ड में कुछ गलत हो रहा है या आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पा रही है, सभी लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जानते हैं, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, और हक से आप मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, ताकि हम लोग हमारी सर्विसेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा बेहतर सर्विस आपको प्रोवाइड करा सकें। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर हम लोग जो पहुँचे हैं इसमें हमारी टीम का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा साथ रहा है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ काम बता सकते हैं, करवा सकते हैं, करने का जो मेन रहता है, जो हमारे हैंड है वो हमारी टीम है, जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारी जो टीम अवेलेबल है ये हमारे टॉप पर्सन्स है जो कि हम लोगों का पूरा एग्जीक्यूशन प्रोडक्शन सब लोग देखते हैं। तो मैं सब हमारे टीम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन लोगों ने हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया एंड मेरी बात रखी हर जगह पर, जब भी हम लोगों ने किसी को एक हमारा टाइमलाइन दिया उस टाइम पीरियड पे इन लोगों ने अपने काम को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबी से बहुत ही अच्छे से निभाया है। फ्यूचर और प्लान क्या है? सर जैसा आप जानते हैं प्रिंट वर्ल्ड, मेरा फ्यूचर ही है कि प्रिंटिंग, ब्रांडिंग, डिज़ाइनिंग, मतलब प्रिंट वर्ल्ड होना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले बहुत जल्द ही हम लोग और कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो आप लोगों को और बहुत जल्दी हम लोग दोबारा बुलाएंगे और चाहेंगे कि आप सभी लोग वहाँ पे भी हम लोगों को जुड़े और हम लोग आगे और कुछ करें। शुक्रिया, थैंक यू।